संगीत मेरा जीवन है या मेरा जीवन संगीत के लिए है, कहना जरा मुश्किल है। जब मैं 5 साल की हुई तो पिताजी से गाना सीखना शुरू किया। 1942 में पिताजी का अचानक स्वर्गवास होने के बाद मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था फिल्म। मैंने फिल्मों में बाल कलाकार की हैसियत से काम करना शुरू किया। 1945 में शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उस्ताद अमान अली खां साहब भिंडी बाजार वाले का गंडा बांधा। 1947 में प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ। मन में बस एक इच्छा थी कि गाऊं, खूब गाऊं, अच्छा गाऊं और उस वक्त तक संगीत की सेवा करूं जब तक सांसें मेरा साथ दें। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सुरेले सफर में मुझे मुख्तलिफ दौर के गुणी संगीतकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, मेरे हिस्से में मशहूर गीतकारों के दिल को छू लेने वाले खूबसूरत गीत भी आए और हर दौर के मशहूर गायक और गायिकाओं के साथ गाने का अवसर मिला। लता जी का तो दुनिया में कोई जवाब ही नहीं है। मैं अक्सर लता जी के बारे में एक बात कहता हूं कि एक मिसाल है कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन लता जी एक वाहिद ऐसी फनकार हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया की एक राय है कि वो कमाल की सिंगर है। एक शख्स मुझे आज तक नहीं मिला पूरी दुनिया में जिसने ये कहा होगा कि मुझे लता जी के गाने अच्छे नहीं। एंड आई थिंक शी इज द ओनली सिंगर, और आप उन्हें आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया की एक राय है। ये बात जो है ये दुनिया में किसी और शख्स के बारे में नहीं कही जा सकती सिवाय लता जी के। संगीत सफर में मैंने संगीत के रूप को और मौसीकी के रंग को कई बार बदलते देखा, सुना, गाया और महसूस किया। आज के दौर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगीत पर भी असर हुआ है, मगर संगीत प्रेमी आज भी मधुर सुरीले गीत संगीत को सुनना चाहते हैं। ये मेरा विश्वास ही नहीं, यकीन भी है कि भारतीय संगीत की उड़ान 7वें आसमान को छू सकती है। जरूरत है सिर्फ लगन, मेहनत और दिल से संगीत की सेवा की। आखिर में संगीत के सभी चाहने वालों को, मेरा मतलब है आप सभी को और आने वाली पीढ़ी को भी, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।